सर नॉलेज बहुत मिला, वी आर हैप्पी कि नॉलेज इतना गेन किए, सबसे बड़ी बात वो है। हाँ नॉलेज बहुत मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। सर हाँ पहले आपको सल्यूट को, आप पेशेंस से सबको ले रहे हो, सब बीच में एक साथ टूट पड़ते हो, फिर भी आप पेशेंटली सबको सुनते हो, सबको रेमिडीज देते हो, और ये क्लास कभी खत्म ही ना हो ऐसे लग रहा है। लॉर्ड थैंक्स टू यू आप सर। एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत देते हो, बियॉन्ड द टॉपिक यू गिव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, विच इज लाइक थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू सर। वॉचेस जितनी सिंपल है उतनी ही सिंपल आपने नॉलेज दी है। क्या बात है, बढ़िया नॉलेज दी है सर। बहुत मतलब हर चीज का एक एक पहलू उठा उठा कर बराबर एक पॉइंट यहाँ से मुझे, मैंने ये 10 दिनों में सीखा, ऑलवेज कीप इट सिंपल, जो हम कहते दिए। हैं लाइफ को भी सिंपल रखिए, वॉच को भी सिंपल रखिए। सर क्लास शुरू करने के पहले ये थैंक लगा यू नहीं सो था मच कि सर। इतना सारा कुछ हो सकता है इसमें। मतलब मैंने जो एनरोल किया ना, तो मुझे इतना लग नहीं रहा था कि इतना कुछ हो सकता है एक वॉच में, इतना सारा। लेकिन जिस तरीके से आपने सिखाया ना, अब वो चीजें जो सामने आ रही है, फिर पता चलता कि नहीं। और वो आपके बताने का तरीका ही अच्छा है सर, मतलब कमेंडेबल है। वास्तु का भी नॉलेज बहुत सारा बताए सर। हम लोग तो सेकेंड बार क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट बार क्लास से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसीलिए सेकेंड बार कर रहे हैं। तो अब पूरा डाउट क्लियर हो गया, अब बस खाली प्रैक्टिस का है। अब जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को नॉलेज और मिलेगा, और छोटा छोटा जो बात था जो हम लोग का लाइफ में बहुत बड़ा मैटर करता है वो भी अब सॉल्व किए, छोटे छोटे रेमिडीज वगैरह देके। सर थैंक यू सो मच सर। आप वीकडेज में लेट क्लासेस के बजाय वीकेंड पे क्लासेस नहीं लिख सकते कोई, थोड़ा सा 2-3 घंटा, लेकिन दिन में क्या होता है ना, ऑफिस से घर जाने के बाद या फिर ऑफिस से निकलते अगर देर हो जाती है ना, तो टेंशन रहती कि नहीं 8:30 बजे के पहले पहुंचना है, क्लास मिस ना हो जाए, तो वीकेंड पे थोड़ा आराम रहता है सर। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है ना, वीकेंड में जैसे वो मेरे फ्री वेबिनार्स चलते हैं, तो मेरा एक ये रहता है कि भाई जिस जो पे नहीं कर सकता है या जो मेरी फीस नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट वो आ जाए, एनालिसिस करा ले, अच्छी है वॉच तो पहन ले, नहीं है तो फेंक दे। मेरा इंटेंशन ये रहता है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन ना कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में लोगों को कुछ दे दूं। तो फिर भी ठीक है, कोशिश अब आगे ये करूंगा कि वीकेंड में क्लासेस रखने की कोशिश करूंगा। लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ में देखना चालू किया है सर, रिस्ट वॉच की एंगल से सर। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या लाइफ में अपने अचीव करना है, वो थोड़ा और डिफाइन हो गया सर घड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और कुछ कहना चाहेंगे?